अच्छा जी, अब हम बनाने जा रहे हैं फाइनली बैंगन का रायता, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है इन गर्मियों में स्पेशली। अब बैंगन के रायते के लिए अब हमने ये बैंगन ले लिए हैं दो, ठीक है। आजकल ये बैंगन आ रहे हैं, हम इनको पहले काट कट कर लेते हैं और इनको चेक करेंगे कि भाई इनमें कोई कीड़ा शीड़ा तो नहीं है। हमने बैंगन चेक किया, बिल्कुल क्लीन बैंगन है, ठीक है। अब हम इसके चार पीसेस करेंगे ताकि ये आराम से अंदर तक पूरा भुन जाए, रोस्ट हो जाए। अब पाकिस्तान के घरों में तो ज़ाहिर हमारे पास इतने कोई वो ओवन्स और वो हम इतना यूज़ नहीं करते, तो ये बिल्कुल सही है बैंगन। अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे ग्रिल होने के लिए। अच्छा जी, ये दूसरा बैंगन मैं काट रही हूँ, दो बैंगन है, ठीक है। दो बैंगन में ग्रिल करूंगी, देखें बिल्कुल साफ सुथरे बैंगन है। इसको हमने रख दिया इस चूल्हे पे रोस्ट होने के लिए। अब हम इसको टर्न करते जाएंगे, सही है। आजकल वैसे गैस कम आ रही है, लेकिन ये कि बहरहाल जितनी भी आ रही है उसमें गुजारा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जब आप घर पे होते हैं, फर्ज करें बच्चे नहीं है, या आप घर पे अकेले हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, या फिर कुछ भी, तो आप ये वाला रायता बना के ना फ्रिज में रख दें, बहुत दिन चलता है। और चपाती के साथ, गर्मा गर्म चपाती के साथ आप इसे खाएं, इतना मजे का लगता है, यम यम। तो मैं बनाती हूँ चपाती और उसके ऊपर थोड़ा सा ना असली घी लगा देती हूँ चपाती के ऊपर। देखें मैंने ना असली घी भी रखा हुआ है अपने किचन में, ये रहा। तो मैं असली घी थोड़ा सा लगा देती हूँ चपाती पे और फिर मैं वो चपाती के साथ ये वाला बैंगन का रायता खाती हूँ। ये बैंगन को लेकिन आपने जरा पलटते रहना है, इसको देखते रहना है कि ये सारी तरफ से बराबर बराबर हो जाए, सही है। ये बैंगन हो रहे, केयरफुल रहेगा, मुझे तो जरा आदत है तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जो नए लोग हैं जरा केयरफुल रहे, डंडी से इसको उठाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने दही में क्या क्या चीजें डालनी है। तो चलें मेरे फ्रीजर की तरफ, टिप्स हैं आपके लिए। अच्छा जी, ये लहसुन है और मुझे क्या, हाँ ये मेरा कड़ी पत्ता है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। आइए 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 आइए, बैंगनों की तरफ आइए। कैसर साहब को बैंगन का रायता वैसे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरा तो मोस्ट फेवरेट है। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने इस तरह से लहसुन को काट के और फ्रीजर में रख दिया, इसको सेव कर लिया। इस तरह इसको छीलना भी आसान है और ये खराब भी नहीं होता। एक ये साइड है और ये देखें, इस तरह से इसको यहां से काट देती हूँ ना, कट कर देती हूँ। इस तरह से सारे मैंने ये फूल रख लिए हैं संभाल के, इसमें कुछ छिले हुए भी हैं वैसे मैंने रखे हैं, वो मैं निकाल देती हूँ। तो वो छील के भी रख सकते हैं, आपको आसानी होती है। ये ठीक है, ये आ गए छिले हुए, ये मैं वापस फ्रीजर में रख दूंगी, जब भी मुझे जरूरत होगी तो मैं इनको निकाल लूंगी। इस तरह से इन्हें आप ऊपर से थोड़ा सा कट कर देंगे और फिर आप इनको इस तरह छील सकते हैं बड़े आराम से। तो ये फ्रीजर में जाएंगे वापस, लेकिन इससे पहले जरा बैंगन की उल्टा पलटी कर लें ताकि सारी तरफ से ये ग्रिल हो जाए। ये वाली साइड नहीं हुई है, ये वाली साइड। अच्छा जी, ये बैंगनों पे तो जरा मुझे सही से नजर रखनी पड़ रही है ताकि ये हो जाए। ये जरा इधर चूल्हे में गैस कम आ गया, लेकिन खैर इसको ये हो जाएंगे, ये इसको पूरे अच्छे तरीके से गलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा चूल्हा गंदा होगा लेकिन इट्स ओके। अच्छा साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं ना हरी मिर्चें निकाल के रख रही हूँ। देखिए मैंने आपको बताया ना कि मैं हरी मिर्चें धो के रख देती हूँ तो ये काम चल जाता है। थोड़ी मैंने हरी मिर्चें निकाल ली हैं और मुझे चाहिए हरा धनिया और पुदीना। तो वापस चलते हैं मेरे फ्रिज की तरफ। फ्रिज में बड़ा साफ सुथरा रखती हूँ, कोई अचानक भी देख ले ना उसको पता नहीं चल सकता है। ये देखें, ये मैंने हरी मिर्चें रख दी और ये मैंने हरा धनिया और पुदीना जो सही करके रखा था। तो देखिए इतना इजी होता है, आराम से। धनिया और पुदीना हम रखते हैं फिलहाल यहाँ। बैंगनों पे नजर मार लें जरा, ये बैंगन कहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, ये अभी ये होना शुरू हो गया, वैसे ये रोस्ट हो रहा है। और ये वाला भी जो है इसको इधर से रोस्ट। अच्छा जी, ये लहसुन इसका काम है बाद में, इसको रखते हैं फिलहाल हम यहाँ पे, ठीक है। और मैं दही आपको बताती हूँ कि दही के साथ क्या करना है। तो जनाब ये एक बोल निकाल लें जिसमें आप भगार भी, क्योंकि मैं इसी में लगाऊंगी डायरेक्ट। और ये आ गया दही, सही है, ये हमने इसमें डाल दिया दही सारा।
तकरीबन ये 1 किलो दही है, इसको हमने फेंट लेना है ऐसे, और इसमें हमने डालना है नमक, पिंक सॉल्ट हस्बे जायका, और साथ साथ हमने इसमें डालनी है कुटी हुई मिर्च तकरीबन इतनी, ठीक है, और इसको हमने जरा फेंट लेना है क्योंकि इसमें बैंगन भी जाएगा, तो नमक इसलिए मैंने थोड़ा, आपको लग रहा होगा शायद कि ज्यादा ना हो, लेकिन क्योंकि बैंगन में कोई नमक और कोई कुछ भी नहीं है, मिर्च नहीं है, तो इसी में नमक मिर्च डली है। इसमें अभी हम हरी मिर्चें भी डालेंगे, काट के भी और साबुत भी। अच्छा जी, ये देखें अब ये गलना शुरू हो गए। ओके, केयरफुल, बी केयरफुल एवरीवन, ये थोड़ा अंदर से रोस्ट हो जाए, मैं इसको इस पर चेंज कर लेती हूँ बल्कि, क्योंकि ये जरा छोटा इधर जरा कम आग है, मैं चाह रही हूँ कि ये अंदर से जरा सही से पक जाए। अच्छा, ये हो गया है, इसमें आप चख लें इसके नमक को थोड़ा सा, और आपको मुनासिब है तो अगर बाद में फिक्स करना चाहें तो फिक्स कर सकते हैं। देखिए कम हमेशा ज्यादा हो सकता है, ज्यादा कम नहीं हो सकता, है ना कैसे साहब। ये हो रहे हैं, थोड़ा सा ये सब्र का काम है, बस इसके लिए थोड़ा सा सब्र चाहिए, बर्दाश्त। और ये देखिए अब ये काट के रखा हुआ था जो हमने निकाल के, ये देखिए ये जो पुदीना वगैरह हमने निकाल के रखा हुआ था, इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आप अब देख लें ये होने वाले हैं, और बिल्कुल इनके ऊपर का ये सारा आपको नजर आ रहा होगा, जो स्किन है ना वो बर्न हो गई है, तो इसको हम अभी निकाल लेते हैं। पानी साथ साथ मैंने कहा मैं पी लूं, बहुत ज्यादा पानी पिया नहीं जाता, तो थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, अब ये वाला मैं यहां रखती हूँ, ये चेक कर, और इसको अब ये देखें, ये सारा ये देखें बिल्कुल गल गया, इसको हम निकाल लेंगे इस तरह छुरी से करके। स्किन जो है जितनी आप आराम से पील कर सकते हैं वो कर लें, बहुत गर्म होता है ये, तो उसका ये सारा गूदा निकल आया, और इसी तरह से इधर भी करके ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इस पे रख के इसका ये देखें ये निकल आया, इसी तरह इसको भी ये आ गया। अब ये जो थोड़ा बहुत होता है इसका अपना एक रोस्टेड इसकी स्किन का मजा होता है, लेकिन जो ज्यादा स्किन है वो आप निकाल देते हैं, ज्यादातर क्लीन कर देते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से करके, और आराम से हो जाती है, कोई मसला नहीं है। वो दूसरा वाला भी हो गया बैंगन, अब ये आ रहा है जी दूसरा बैंगन। चलिए, गैस का बिल काफी आ रहा है, जरा चूल्हे बंद कर दूं मैं साथ के साथ। ये हो गया चूल्हा बंद, ये हो गया चूल्हा बंद, थोड़ा सा हो गया लेकिन खैर वो साफ हो जाएगा। चलिए, ये देखें ये बिल्कुल हलवे की तरह हो गया, ये निकल आया बाहर। थोड़ा सा आप एहतियात से करेंगे, जरा हल्का हाथ रखेंगे, जैसे जरा मैं मियाँ साहब पे हल्का हाथ रखती हूँ तो ये आराम से देखिए, मोहब्बत से आप सारे काम करवा सकते हैं, गुस्से में ना आप कोई काम नहीं करा सकते। ये देखिए जी, हल्का हाथ आपने रखा इस पे, और ये आराम से, हालांकि स्किन बहुत सॉफ्ट हुई हुई है, लेकिन ये सब आ गया बाहर। अब हम पता है क्या करेंगे, अब हम इसमें ये जो हमने लहसुन के जवे है ना वो इसके साथ ही इसकी थोड़ी खटाखट बनाएंगे हम। खटाखट खाइए, बड़ी मजे की होती है, लेकिन मसला ये कि जब कोलेस्ट्रॉल किसी का ज्यादा बढ़ा हुआ हो और थोड़े ये वाले मसाइल हो कि एहतियात करनी हो, तो फिर आप समझें कि ये बैंगन की खटाखट बना के खा लें आप। ये हो गया, इसको मैं कर रही हूँ साइड पे। अच्छा जी,
ये आ गई जी हमारे बैंगन की खटाखट। अच्छा, इसके साथ जो छजी कैसर साहब ने फरमाया है कि इसको यहां रखें ताकि जरा लाइट में अच्छा नजर आए, तो चूल्हा भी जरा ठीक है ठंडा हो गया। ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ साथ ये जो लहसुन है, जवे लहसुन के, ये इसके साथ हम कटिंग करेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी, ये हमने साथ साथ काटे। ऐसी रफली चॉप, ये सब छिले हुए थे, एक के बगैर छिलावा आ गया था, उसको खैर साफ कर लेते हैं अभी दो मिनट में सोच। अच्छा जी, बैंगन का रायता यानी कि बैंगन की खटाखट बनाना कोई आसान काम नहीं है, मतलब कोई मजाक काम नहीं है। ये सारे देखें इसके अंदर मैंने मैश कर दिए, ये सारे इसके अंदर चले गए, लहसुन के पीसेस छोटे छोटे हो गए बारीक बारीक, ये देखें। अब हम इसमें ये जो पुदीना है ये इसको मैंने धोना है और उसके बाद फिर मैं इसके साथ मिक्स करूंगी। अच्छा जी, ये पुदीना धुल गया है, ये जी पुदीना आ गया और ये हरी मिर्चें आ गए। ठीक है, हरी मिर्चें इसमें कट के डलेंगी, बड़ी वाली, ये वाली, और ये इसमें डलेगा पुदीना। थोड़ा सा इधर डालूंगी, थोड़ा सा मैं जब दही में डालूंगी ना ऊपर भगा के साथ तब डालूंगी। आहा हा, देखते हैं क्या खूबसूरत खटाखट बनने वाली है आपकी, ये देखें। ये ब्यूटी शॉट तैयार हो गया है बैंगन की खटाखट का। अच्छा, ये साथ साथ मैंने इसको गर्म होने रख दिया, तवे को मुझे भगार लगाना है और भगार में तो जीरा जाएगा ही, सफेद जीरा, लेकिन एक चम्मच कुटा भुना हुआ जीरा इस दही में भी जाएगा। क्या हुआ, भुना कुटा हुआ जीरा इस दही में जाएगा, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, बड़ा मस्त किस्म का। और साथ साथ ये साबुत हरी मिर्चें डालेंगे इसमें हम, किसी भी तो हैं, और ये जो असल चीज है वो जाएगी अब इस दही के अंदर जो हमने मिक्स करके रखी थी। देखा, मैं आपसे इसीलिए कह रही थी कि इसमें आपने ज्यादा डालना है जरा नमक, थोड़ा तीखा होना चाहिए ना, तीखा जरा अच्छा लगता है। नमक मिर्च डाला है, ये इसमें मिक्स कर दिया है, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गया, मुझे भूख लगनी शुरू हो गई। हरी मिर्चें जो साबुत खाना चाहते हैं उनके लिए डालिए कि वो अपने सर्विंग में निकाल लें। अच्छा जी, ये बहुत ही गर्म हो गया है, जल्दी से इसमें तेल डाल देते हैं ताकि बेहतरीन भगार तैयार हो जाए। ये जनाब, इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे चूल्हे को, बल्कि मैं इसको इधर हटा लेती हूँ ताकि ज्यादा ना जले। इसमें डलेगा ये साबुत लाल मिर्च जाएगी इसमें, और साथ साथ इसमें जाएगा सफेद जीरा। दिल खोल के सफेद जीरा जाना चाहिए जरा, क्योंकि फिर जीरे का भी एक फ्लेवर आता है। और अगर आप चाहें तो इसमें आप राई भी डालें, बड़े मजे की हो जाती है ये। अब पटाखे मारेगा तो जरा होशियार रहिएगा, कैसे मेरा बदला ले लेगा ये भगार आपसे, पीछे हो जाएगा जरा। ये जी बेहतरीन भगार तैयार हो गया, और अब ये जा रहा है, ये भगार आ गया इसमें। अच्छा, इसे अब करेंगे क्या, थोड़ा सा दही लेके आपने इसको उसको तड़पने के लिए छोड़ा, दही ने थोड़े कड़ाके मारे और ये जी बेहतरीन भगार आ गया इस पे। ओके, अब आपने इस पे दोबारा ताजा पुदीना और हरा धनिया, पुदीना मैंने ये धो के रखा हुआ था, ये हम इस पे डाल देंगे, इसकी एक हसीन और लजीज और जमील सी खुशबू आ जाएगी।
मैं एक ही छुरी से सारा काम करती हूँ, इसलिए आपको ये फील हो रहा होगा। अच्छा जी, ये रेडी हो गया। अब आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और मैं थोड़ी देर में हरा धनिया डाल, ये मैंने धनिया निकाल के धो लिया, और अब ये ताजा ताजा धनिया जाएगा। आप सबने बताया था ना डंडियों के साथ, इसमें बिल्कुल ऐसे रफली चॉप्ड होगा ताकि हर निवाले में जरा प्रॉपर धनिया आए, और उसकी डंडियां भी आयोडीन से भरपूर बेहतरीन रायता। ये देखिए जी आप, ये हमारा बैंगन का रायता तैयार हो गया। ब्यूटी शॉट चेक करें, ब्यूटी शॉट। ये मेरा बैंगन का लजीज सा रायता तैयार हो गया। अब ये फ्रिज में रख दूंगी मैं इसको ढक के, और उसके बाद जब दिल जाएगा चपाती से खाऊंगी। आप भी इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बनाने में ज़्यादा थोड़ी मेहनत लगती है, और एक डिश की तरह ये भी कंप्लीट, लेकिन बहुत बहुत ही यमी होता है। और जैसे इसका ब्यूटी शॉट है ना, ऐसे ही मैं एक दिन अब एक प्रोग्राम करने वाली हूँ जिसमें मैं अपना भी ब्यूटी शॉट दूंगी, यानी कि मैं आपको अपना मेकअप करके बताऊंगी, छोटी छोटी टिप्स मेकअप के बारे में, ठीक है? तो जनाब ज़रूर ये रायता बनाइएगा, इसे ट्राई कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिए।